नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को आपण मानको स्वागत करूछी मु जागृति महंती। शत्रु खराब खबर बंधु सुखबर भारत तयारी करिछि नुआ सुरक्षा कवच। ए कवच को भेद करिबा सक्षम नुहे। एहा एमिती कवच जे शत्रु या विषय शुणिले शत्रुर छाती कंपी जाउछि आउ एहा देइछि आम सेना को अधिक बल। एबे समस्त टैक्टिकल ऑपरेशन हेबो अधिक सहज अधिक सुदृढ़ आउ अधिक सफल। निज सुरक्षा लागि भारत प्रस्तुत करिछि ए त्रिशक्ति द सुपर पावर ऑफ इंडिया। भारत पाई खुशी खबर भारतीयों पाई खुशी खबर कारण एणिकि भारत को सुरक्षा देवाकु थिबा वीर जवान दल में सामिल है आउ गोटे सुरक्षा बाहिनी। आउ ए बाहिनी एमिती जे हा संपर्क रे सुनिबा मात्रे शत्रु छाती रे एबे पसिछि छनका। मातृभूमि सुरक्षा मातृभूमि सामर्थ्य शत्रु छाती रे छनका वीरत्वर महागाथा हाथ मिलाइले तीन महारथी। एमाने साधारण नुहंती एमाने असाधारण भी अधिक असाधारण। जल स्थल आकाश गगन पवन पाताल एणिकि शत्रु आउ केउठी बाट नाही। जेउ गातरे लुटिथिले भी मार करिवे ए महाबाहिनी। जेकोसी कोण से सामान्य चू टिके विदारी देवे ए महावीर। एमाने साधारण सैनिक नुहंती एमाने तीनी बाहिनी रो स्वतंत्र प्रशिक्षित कमांडो। एमाने स्पेशल फोर्सेस डिविजन रो महायोद्धा। भयंकर एमानंक रूप महाभयंकर एमानंक सामर्थ्य युद्धर सबु कौशल एमाने सुदक्ष। शत्रुर घरे पशि आक्रमण करिपारिबे आउ आक्रमण करि आरामरे खसी जाइपारिबे कारण एमाने शिखिछंती सबु कला कौशल जहा एमानंकु जल स्थल ओ आकाशरे परिछि अजय। एमाने भारतीय सशस्त्र सेनार हार्टबीट एमाने भारतर विचक्षण स्पेशल कमांडो। एमानंकु नेई भारत गढ़ी एक स्वतंत्र डिविजन जहार ना रही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिविजन AFSOD। एही डिविजन रो काम हेउछि सर्जिकल स्ट्राइक भली टैक्टिकल ऑपरेशन को कामरे परिणत करिबा। शत्रु आक्रमण किंबा आतंकवादी कांड समय आखि पिछुला के भारत और भारतीय सुरक्षा दबा शत्रु को तुरंत जमपुर को पठाइबा आउ जेकोनोसी सिक्रेट मिशन को सफल कराइबा। अति अल्प समय रे गुप्त भावरे एवं सम्मिलित भावे कौनसी ऑपरेशन को सफल कराइबा एमानंक कार्यर मुख्य लक्ष्य हेब। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS अधीन काम करिबो एही डिविजन। यहार कमांडो माने उभय पारंपरिक और आधुनिक युद्ध कौशल विशेष भाव तालीम प्राप्त हेबे। स्पेशल ऑपरेशन डिविजन रे रहिबे प्राय 3000 कमांडो। एही कमांडो माने आसीबे तीन बाहिनी रो स्पेशल फोर्सेस यूनिट रूम। एमाने हेउछंती भारतीय स्थल सेनार स्पेशल फोर्स पारा सर्विस यूनिट पारस, नौसेनार स्पेशल फोर्सेस कमांडो यूनिट मार्कोस और भारतीय वायुसेनार
स्वतंत्र कमांडो यूनिट गरुड़ बछा बछा कमांडो एथे बाहिनी रो मोट 3000 कमांडो जो माने जंगल पार्वत्यांचल सागर नदी और आकाश मार्ग से युद्ध कौशल निपुण हेबे। एही डिविजन भारतर प्रमुख अनुष्ठान अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण और सुरक्षित स्थान सुरक्षा एवं आतंकवादी आक्रमण समय काम लगे। एही कमांडो माने मिलित भावे तालीम और ऑपरेशन रो भाई मात्र स्पेशल फोर्सेस डिविजन रे सर्वाधिक रहिबे स्थलसेनार जवान कारण स्थलसेना पाखरे अछि सर्वाधिक कमांडो आ स्थलसेना पाखरे अछि देशर सबुठ पुरणा एवं सर्वाधिक कमांडो बटालियन पंजाब रो ब्लू स्टार ऑपरेशन हेउ बा श्रीलंका रो गृह युद्ध मालदीव्स हेउ बा कारगिल सबुठी उड़ीछि एमानंक विजय बाना आसंतु जानिबा एमानंकु। पारा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी एना सारा विश्वर सेना जगत रे बेस सम्मान सह उच्चारण हुए कारण यह पछरे रही अनेक बलिदान यह पछरे अनेक त्याग और समर्पण गाथा यह सह जोड़ा अनेक वीरत्व भरा अभियान यार इतिहास लेखा अनेक उल्लेखनीय संघर्ष और सफलतार। पारा स्पेशल फोर्सेस बा पारा ट्रुप्र स्पेशल फोर्सेस होती भारतीय स्थल सेनार सबुठारु दक्ष और आधुनिकतम कमांडो यूनिट यह भारत प्रति आसुवा जेकोसी विपदर मुकाबला लगी सक्षम। पारा फोर्सेस अतुलनीय योद्धा भिन्न भिन्न प्रकार युद्ध कौशल बेस पारंगम जितेबले भी परिस्थिति महत्वपूर्ण और संकट में भरा थाए भारतीय सेना मानू ही काम लगाए। पारा फोर्सेस पाखरे थाए एमिति अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र जहाँ पाइबा को प्रति सैनिकर इच्छा थाए ए सबू हत्या विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिर मुकाबला लगी प्रस्तुत करा जाइछि। ए सबू को निर्माण करिछन्ति विश्वर विशिष्ट प्रतिरक्षा निर्माता माने एमानंक पाखरे थिबा मारक क्षमता रे जे कोनोसि शत्रु को मार देबारे सक्षम पारा फोर्सेस। पारा फोर्सेस पाखरे थाए यूएस निर्मित M4 कारबाइन पुणी इस्राएली माइक्रो उजी सब मशीन गन जहाँ मात्र गोटे मिनिट्रे 1200 राउंड फायर करी पारे पुणी इस्राएली टावर आसल्ट राइफल ये सबू राइफल लेजर गाइडेड और नाइट भिजन कैमेरा युक्त अफिसर थे मेजर मेक सिंह एमाने सीमारे और शत्रु शिविर अनेक उल्लेखनीय सफलता देखाई आँ प्रेरित करता भारत में स्पेशल फोर्सेस बाटालियन सृष्टि करने लगी। यह यूनिट को पाराच्यूटिंग युद्ध कौशल स्वतंत्र भाव प्रशिक्षित कर तेब पाराच्यूट रेजिमेंट भाव में नामित करवर्त समय पारा फोर्सेस रूप नेला परवर्त समय मूल 9 पारा कमांडो सृष्टि 10 पारा कमांडो बाटालियन यह 1971 युद्ध में उल्लेखनीय सफलता प्रदर्शन करा कमांडो सफलतार तालिका बेस लंबा 1984 पंजाब ऑपरेशन ब्लू स्टार एमाने सामिल होते सेपरी 80 दशक में श्रीलंका गृहजुद्ध समय ऑपरेशन पवन में भूमिका थिला उल्लेखनीय पुणी 1988 मालदीव्स ऑपरेशन कैक्टस एमाने ग्रहण करते मुख्य भूमिका आ 1999 कारगिल युद्ध समय एमानंकु मिलिथिला सफलता। वर्तमान सुधा भारतीय स्थलसेन पारा स्पेशल फोर्सेस 9 यूनिट काम करुच्छी एमाने देशर विभिन्न स्थान में मुतयन अछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। ब्लैक कलर रा यूनिफॉर्म मुहरे कोड़ा कपड़ा आउ आखिरे अंगार भली लाली एहा हेउछि एमानकर परिचय। एमाने हेउछन्ति मार्कोस कौन ही मार्कोस फोर्स केते दक्ष एमाने किभली एमाने शत्रु को मात देबारे सक्षम सबुठारु बड़ कथा स्पेशल ऑपरेशन डिविजन रे मार्कोस को भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण हेबो से सबु आसंतु जानिबा। पानी रे कुंभीर को पारिब किंतु तांकु पारिहबनि पानी रे जहाज फेल मारिपारे किंतु सेमाने हारिबे महासागरर विशाल बुकुरे सेमाने अपराजय सेमाने भारतर सी वारियर्स सेमाने भारतीय जलसेनार स्पेशल फोर्स मार्कोस निकनेम मगरमच्छ मोटो दफी दफियाकेश
सागर बुकरे हमलार सबुठ दक्ष और सामर्थ्यवान फोर्स। जेकोसी ऑपरेशन सफल मुकाबला करार क्षमता रखी मार्कोस। प्रतिदिन 20 किलोमीटर दौड़ आरंभ होता है मार्कोस कमांड सकाल सबुठ बड़ कथा अफुटा गोला बारूद ट्रेनिंग होता है फुल्ली लोडेड गन सह ट्रेनिंग होता है। प्रति सप्ताह 60 किलो ओजन सहित 120 किलोमीटर पर्यंत चलवाक पड़ता है। अनेक समय गुप्त ऑपरेशन में मार्कोस सामिल होमान निजस्व परिचय संपूर्ण गुप्त रखा जाए एपरिक पर लोक को भी एम रैंक संपर्क में अवगत करा अनुमति न था। मुंबई कोची और विशाखापाटना तीनटी नाभाल बेस में मार्कोस कैबिनेट सबुबले प्रस्तुत रखा जाए। जदि एम दक्षता पर नजर पकाइबा तेरे मार्कोस पूरा अस्त्रशस्त्र धरी पानी रे डेई निज ऑपरेशन को अंजाम दे पारती। मुंबई अटैक समय मार्कोस को भूमिका थी बेस गुरुत्वपूर्ण। साधारण छुरीठू आरंभ कर क्रसबो स्नाइपर राइफल हैंडगन आसल्ट राइफल और सबमेसीन गन भली अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र व्यवहार करती मार्कोस। यासह मार्कोस कमांडो एत दक्ष था जे हाथ और गोड़ बंधा थ सत्वे एम पानी में पहरवे सफल होता। रिपोर्ट विष्णु गरुड़ ना शुणी जार शब्द से शत्रु अधा हारी जाऊला एवं भारत पाखे भी अच्छा एमती गरुड़ एम संपर्क में जाणवा एक छोटिया ब्रेक पर। भारतीय वायुसेन रही एक फोर्स जहाँ एसओडी सामिल होती आहुरी शक्तिशाली हेबो एसओडी जहाँ शक्ति सामर्थ्य और पराक्रम आगे सबुबले हार माने शत्रुर सबु कौशल एम गरुड़ कमांडो। एबे आउ शत्रु निस्तार नहीं शत्रुर सबु चाल पड़ ओलटा कारण शत्रु को निपात करने प्रस्तुत स्वतंत्र रणनीति एवं शत्रु को भारत देखाइब तार शक्ति सामर्थ्य और पराक्रम एवं शत्रु उपर सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना प्रस्तुत करुच्छे एक स्वतंत्र रणनीति आउ खोल स्पेशल ऑपरेशन डिविजन जो थे सामिल होती एभली कमांडो जो होती भारत डेडली डायनामाइट्स मोटो डिफेंस बाय ऑफेंस माने प्रहार और सुरक्षा ना गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेनार सुदृढ़ कवच गरुड़ कमांडो। पौराणिक कथा अनुसार गरुड़ होती भगवान विष्णु वाहन आपण अनेक जाणी नथिबे आम भारतीय वायुसेनार मध्य एक स्पेशल कमांडो अच्छा एमाने गरुड़ कमांडो।
2003 गठन करा जाइथिला गरुड कमांडो फोर्स। 6 फेब्रुवारी 2004 रे एही गरुड कमांडो शामिल होइथिला भारतीय वायुसेना रे। गरुड कमांडो को भारतीय वायुसेना रे सबठारु युवा स्पेशल फोर्स बा यंगेस्ट स्पेशल फोर्स बोली कहा जाए। गरुड कमांडो रे अछंती 1200 रु 2000 जवान, तेबे प्रकृत संख्या काहाकु जणा नाही। आ सबठारु बड़ा कथा हेउछि गरुड कमांडो को दिया जाय थाए 72 सप्ताह रो ट्रेनिंग, जहाँ भारतीय स्पेशल फोर्स रो सबुठारु दीर्घ और सबुठारु कष्टकर ट्रेनिंग बोली कहा जाए, किंतु एथिरे बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल होता है। माने सर्वमोट 3 वर्ष पर्यंत चली थाए एमानंकर ट्रेनिंग। प्राथमिक चरण बा फास्ट फेज 3 मास पर्यंत चले, और प्रथम फेज रे पास हेले सेमानंकु द्वितीय फेज को फटा जाय थाए। ट्रेनिंग समय शत्रु को किभली भाव में मात देबे, या सह जंगल रे किभली निज ऑपरेशन को सफल कराइबे, ओ जदि खाद्य मौजूद नथिबो सेही समय रे किभली बचिबे सेने मध्य शिखा जाय थाए। आउ एथिपाई जवान मानक को 7 दिन पर्यंत उपास ही रहिबा को पड़िथाए। जेकोणसी स्थान रे जेकोणसी समय रे ओ जेकोणसी परिस्थिति रो किभली मुकाबला करिवे से संपर्क रे पूरा ट्रेंड करा जाय थाए गरुड कमांडो मानक। दुनिया रे बेस्ट परिचित मिजोरम रे थिबा CIJWS बा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ट्रेनिंग सेंटर रे ट्रेनिंग दिया जाय थाए एमानंकु। बाम कांधरे IAF ब्याच गरुड कमांडो को परिचय। दुनिया रे सबठारु खतरनाक अस्त्रशस्त्र व्यवहार कर जानती गरुड कमांडो, जोथिरे अछि जाभोर TAR-21 असल्ट राइफल, गलिल स्नाइपर राइफल्स एवं नेगेटिव मेसिन गन्स। गरुड कमांडो माने व्यवहार करथुवा समस्त अस्त्रशस्त्र इजराइल रु आसीथाय। गरुड कमांडो फ्लाइट रे ही ऑपरेट करिथान। एमानकर गोटे ग्रुप रे थांती 60 जवान। हाई वैल्यू टारगेट सह शत्रु राडार और एयरक्राफ्ट को ध्वंस करिवारे एमाने पारंगम। देश को सुरक्षा सह शत्रु शिविर में फसीथिबा भारतीय पायलट को उद्धार करिवार काम भी करिथांती गरुड कमांडो। 2016 पठानकोट आक्रमण समय गरुड कमांडो सहायता दी जाइला। गरुड कमांडोर विशेषत्व जदि नजर पकाइबा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करिथांती गरुड कमांडो, अस्त्र विरति उल्लंघन संपर्कित ऑपरेशन, एथिसह एयरफिल्ड रे होउथिबा आतंकी ऑपरेशन रु देश को रक्षा करिबा हेउछि गरुड कमांडो विशेषत्व। स्नाइपर और रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और हेवी मेसिन गन उपलब्ध थाए गरुड कमांडो पाखरे। मोटामोटी कहवाक गले गरुड कमांडो होती ऑल इन वन, जहां योगदान स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन को कर शक्तिशाली। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। भारत पाई शत्रुंकर कमी नाही। भारतर चारिकड़े शत्रु, भारत भितरे भी शत्रु, केबे आतंकवाद तो केबे नक्सलवाद। एमानको कबलरु रक्षा पाई भारत को लोड़ा पड़े अनेक स्पेशल ऑपरेशन। एसबु भितरे थाए सर्जिकल स्ट्राइक, सीक्रेट ऑपरेशन भली टेक्टिकल ऑपरेशन, नुआकरी गढ़ा स्पेशल फोर्स डिविजन। एथिलागी हेबो भारतर प्रमुख सुरक्षा बाहिनी। आज तो समय हो जाइछि स्पेशल रिपोर्टर ए अध्याय को एठी रखुछु। नमस्कार।